अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क ऑन कानून बुक 3. सो लेट्स टेक आउट द पेज 187 ऑफ यूनिट 7 ज्योमेट्री. टुडे वी विल राइट डेट ऑन पेज 187. 29/1/2021 क्लास वर्क एंड फ्राइडे. शेप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. ठीक है, अब कुछ शेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो न्यू शेप्स हैं, और फिर उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं वो देखते हैं. आदिल हैज़ मेड 4 शॉर्ट स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड अनदर 2 लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है, उसने 4 छोटी स्ट्रिप्स ली और 2 बड़ी स्ट्रिप्स ली. विद हिज 4 शॉर्ट स्ट्रिप्स आदिल कैन मेक. छोटी जो 4 स्ट्रिप्स हैं उससे वो क्या क्या बना सकता है? अ स्क्वायर, चारों जिसकी साइड्स बराबर होती हैं, एंड अ रोम्बस, जो इस तरह से 4 स्ट्रिप्स उसने रखी. दिस इज शेप, न्यू शेप फॉर यू. दिस इज रोम्बस शेप. विच इज़ दिस शेप? रोम्बस शेप. ठीक है, विद 2 शॉर्ट स्ट्रिप्स एंड 2 लॉन्ग स्ट्रिप्स. 2 शॉर्ट स्ट्रिप्स और 2 लॉन्ग स्ट्रिप्स से वो क्या बना सकता है? 2 रेक्टेंगल्स. शॉर्ट स्ट्रिप्स से उसने रेक्टेंगल बनाया और लॉन्ग से. ठीक है, यहाँ 2 शॉर्ट है और 2 लॉन्ग है. दिस इज रेक्टेंगल शेप एंड पैरेललोग्राम. फिर अगेन 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग एंड अ काइट. 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग. ठीक है, टोटल 1, 2, 3, 4, 5 डी शेप्स आर. दिस इज स्क्वायर शेप, दिस इज रोम्बस, दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज पैरेललोग्राम एंड दिस इज काइट शेप. ठीक है, इन शेप्स के आपने अच्छे से नेम्स याद करने हैं और आपको भूलने नहीं चाहिए. तो लुक एट दिस एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में क्या है कि आप लोगों ने, उन्होंने क्या बोला है? यूज स्ट्रिप्स ऑफ पेपर और कार्डबोर्ड और ड्रिंकिंग स्ट्रॉ. आप मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपके पास स्ट्रेट हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास स्ट्रॉज होते हैं, जब आप जूस पी लेते हैं तो घर में बच जाते हैं, या आप जूस पीते हैं तो जो स्ट्रॉ होता है उसको रख लें, उसको वॉश करके. ठीक है, रखते जाएं. फिर उसके बाद क्या करें? अरेंज देम टू मेक द शेप्स दैट आदिल मेड. फिर और इस तरह से आप उन स्ट्रॉज के लेके शेप बनाएंगे. ठीक है, देन ग्लू दीज शेप्स ऑन द चार्ट पेपर एंड नेम ईच शेप. और फिर एक चार्ट पेपर आपने लेना है, उस पर हर शेप को स्ट्रॉज के ज़रिए आपने पेस्ट करना है. जैसे 4 स्ट्रॉज इधर यूज़ हो गए, यहाँ 2 लॉन्ग स्ट्रॉज और 2 शॉर्ट. अगर दोनों दूसरा शॉर्ट है तो उसको कट कर सकते हैं. इसी तरह आप स्ट्रॉज की शेप ले लीजिएगा ना, 2 शॉर्ट में और 2 लॉन्ग में, तो आपकी ये शेप्स बनती जाएंगी. आप इसी तरह इसके लिए 4 शॉर्ट लेंगे, यहाँ 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट, 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग स्ट्रॉज, और यहाँ पर 2 शॉर्ट 2 लॉन्ग, और यहाँ पर 4 शॉर्ट. ठीक है, देन उसको चार्ट पेपर पे स्टिक कर लेना है, आपने पेस्ट कर लेना है. मेयर एंड राइट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द शेप. और फिर उसकी शेप को मेयर करके आप साथ में साइड्स की शेप लिखिएगा. ये जो ये बनेंगे, आपने स्केल यूज़ करना है मेयरमेंट के लिए ये. ठीक है, इसने आपने लेंथ फाइंड करनी है. जैसे इसकी ये 1 and 2 सेंटीमीटर, तो ये इसकी 2 सेंटीमीटर बनी. इसी तरह आपने देखना है चारों साइड ये 2 सेंटीमीटर होगी. इसकी ये साइड और ये साइड फाइंड करेंगे. इसी तरह आपकी बाकी की भी करनी है. दीज फिगर्स बिलोंग टू फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्री मीन्स 4. ठीक है, क्वाड्री मीन्स 4, कि क्वाड्री का मतलब क्या होता है? जिनमें 4 साइड्स होती हैं. ऑल 4 साइड्स फिगर आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है, क्या 4 साइड वाले फिगर्स को क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं. सो कम टू द नेक्स्ट पेज. ये आपने याद रखना है, ये क्वाड्रिलेटरल शेप्स कौन सी होती हैं जिनकी 4 साइड्स होती हैं. ठीक है, और क्वाड्री मीन्स 4. नेक्स्ट आपका ये होमवर्क पेज है. इस पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, जिसमें पैरेललोग्राम, स्क्वायर, ट्रायंगल, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और क्वाड शेप, इन सब के नेम्स आपने खुद लिखने हैं. ठीक है, देन रिमेंबर ट्रायंगल्स के बारे में आप कुछ नई इन्फॉर्मेशन है. शेप्स विद 3 साइड्स आर कॉल्ड ट्रायंगल्स. 3 साइड वाली शेप्स होती हैं वो ट्रायंगल्स होती हैं. फॉर एग्जांपल, इस तरह से कोई भी शेप होगी, या इस तरह होगी, या इस तरह होगी, तो ये ट्रायंगल शेप है. दे हैव 3 कॉर्नर्स एंड 3 साइड्स. उनके 3 कॉर्नर होते हैं और उनकी 3 ही साइड्स होती हैं. राइट, नेक्स्ट देख लें, 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आपके पास कौन कौन से हैं. तो आप नीचे शेप्स गिवन हैं. द फर्स्ट वन इज स्केलीन ट्रायंगल. सो आई एम अ ट्रायंगल विद नो साइड इक्वल. ठीक है, इस ट्रायंगल स्केलीन ट्रायंगल में उसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती. ठीक है, कि ये साइड और ये साइड कोई आपस में बराबर नहीं है लेंथ में. ठीक है, अब अगर इनको स्केल से मेजर करें तो तीनों की लेंथ डिफरेंट होगी. नेक्स्ट आइसोसेलीस ट्राइंगल है, उसमें ये 2 साइड्स बराबर होती हैं. ठीक है, उसे आइसोसेलीस ट्राइंगल बोलते हैं. तीसरी साइड की लेंथ उनकी डिफरेंट होती है. और इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है, उसमें तीनों साइड्स बराबर होती है ट्राइंगल की, कि वो तीनों साइड्स आपस में लेंथ में बराबर होंगे आप जब मेजर करेंगे स्केल से. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द 3 ट्राइंगल्स, स्केलीन, आइसोसेलीस एंड इक्विलेटरल. ठीक है, एंड डू दिस वर्क एट होम.
दिस इज़ योर होमवर्क. इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पेज 189 इन मंडे क्लास. टिल देन अल्लाह हाफिज़.